ओम ज्ञातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामय्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 13। एकैकाशो नाग्निद्यानुभावये पादादि यावत् दशितं गताव्रता जितं जितं स्थानम् अपूयतारयेत् परं परं शुद्यति दीर्यता यता। ट्रांसलेशन। द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन शुड बिगिन फ्रॉम द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड एंड प्रोग्रेस टू हिज स्माइलिंग फेस। द मेडिटेशन शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड अपॉन द लोटस फीट, देन द काव्स, देन द थाइस, एंड इन दिस वे हायर एंड हायर। द मोर द माइंड बिकम्स फिक्स्ड upon the different parts of the limbs one after another, the more the intelligence becomes purified. तो यहाँ पे शुभदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि कैसे हर एक व्यक्ति को ध्यान भगवान के रूप पे करना है, और वो भी भगवान के चरण कमल से शुरू करना है, और धीरे धीरे प्रगति करते हुए भगवान के मुख कमल का दर्शन लेना है। तो इस तरह से व्यक्ति धीरे धीरे भगवान का रूप का दर्शन लेगा, तो वो धीरे धीरे उसका जो बुद्धि है शुद्ध होगा। परपोट। द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन रिकमेंडेड इन द श्रीमद् भागवतम इज नॉट टू फिक्स वन्स अटेंशन ऑन समथिंग इम्पर्सनल और वॉइड। तो श्रीमद् भागवतम का तरीका ध्यान करने का निर्विशेष निराकार के ऊपर ध्यान करना नहीं, भगवान के रूप के ऊपर ध्यान करना, तो ये सही तरीका है ध्यान का। द मेडिटेशन शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन द पर्सन ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड ईदर इन इस विराट रूप द जाइगेंटिक यूनिवर्सल फॉर्म और इन सच्चिदानंद विग्रह एज डिस्क्राइब्ड इन द स्क्रिप्चर्स। तो इसलिए किसी को ध्यान करना है भगवान के विराट रूप या विश्व रूप पे ध्यान करना है, या भगवान के सच्चिदानंद विग्रह, भगवान का जो ओरिजिनल स्वरूप है उस पे ध्यान करना है। देर आर ऑथराइज डिस्क्रिप्शंस ऑफ विष्णु फॉर्म्स एंड देर आर ऑथराइज रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डेटीज इन द टेम्पल्स। तो भगवान का जो रूप है, भगवान कैसे दिखते हैं, उनका आकार किस प्रकार से है, उनके कितने हाथ हैं, हर एक हाथ में क्या क्या अस्त्र है, क्या क्या चिन्ह है, तो वो सब का वर्णन शास्त्रों में आता है। कोई भी अपने कल्पना से भगवान का रूप बना नहीं सकता,
भगवान का रूप ऑलरेडी शास्त्रों में आता है और यही रूप के अनुसार भगवान के मंदिर में विग्रह की स्थापना होती है। Thus, one can practice meditating upon the deity, concentrating his mind on the lotus feet of the Lord and gradually rising higher and higher up to his smiling face. तो इस तरह से भगवान उनके कृपा से अर्च विग्रह के रूप में आते हैं ताकि हम सबको उनके रूप में ध्यान करने का अवसर मिले। तो अर्च विग्रह का भी दर्शन लेने का तरीका है भगवान के चरण कमल का दर्शन लेना और धीरे धीरे भगवान के मुख कमल का दर्शन लेना। अकॉर्डिंग टू द भागवत स्कूल द लॉर्ड्स रास डांस इज द स्माइलिंग फेस ऑफ द लॉर्ड। तो प्रभुपाद ने पिछले श्लोक के तात्पर्य में भी यही समझाया है कि भागवत जो मार्ग है भागवतम के अनुसार जो भगवान का रास लीला है भगवान का मुख कमल है। सिंस इट इज रिकमेंडेड इन दिस वर्स दैट वन शुड ग्रेजुअली प्रोग्रेस फ्रॉम द लोटस फीट अप टू द स्माइलिंग फेस वी शैल नॉट जंप एट वंस टू अंडरस्टैंड द लॉर्ड पास टाइम्स इन द रास डांस। तो क्योंकि ये श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि ध्यान करने का तरीका क्या है, भगवान के चरण कमल पे ध्यान करना और धीरे धीरे भगवान के मुख कमल पे ध्यान करना। इसी तरह से जो भागवतम भी पढ़ता है सीधा दसवां स्कंद जो पंच अध्याय है जो रासलीला के बारे में उसके बारे में सीधा पढ़ता नहीं है बट ग्रेजुअली भागवतम के पहले दो स्कंद से शुरू करता है। इट इज़ बेटर टू प्रैक्टिस कॉन्सेंट्रेटिंग आवर अटेंशन बाई ऑफरिंग फ्लावर्स एंड तुलसी टू द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। तो जो कनिष्ठ हैं जिनके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे अनर्थ हैं उनका बेस्ट तरीका है कि भगवान के चरण कमल पे ध्यान करना या भागवतम पढ़ते हुए भागवतम के पहले दो स्कंद से शुरू करना और इस तरह से हम भगवान के चरण कमल पे तुलसी या फूल अर्पण करेंगे धीरे धीरे हमारा प्रगति होगा। इन दिस वे वी ग्रेजुअली बिकम प्यूरिफाइड बाई दी अर्चना प्रोसेस। तो प्रभुपाद दोनों मार्ग दे रहे हैं भागवत विधि और पंचरात्र विधि। तो भागवतम पढ़ना और साथ ही साथ अर्च विग्रहों की सेवा करना। वी ड्रेस द लॉर्ड बेथ हिम एक्सेट्रा एंड ऑल दीज ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज हेल्प अस प्यूरिफाई अवर एग्जिस्टेंस। तो भगवान अर्च विग्रह के रूप में आते हैं ताकि हम सबको अवसर मिले भगवान को वस्त्र पहनाने का, भगवान को नहलाने का, भगवान को भोग खिलाने का, ये सब अवसर मिले और इस तरह से हम शुद्ध बनेंगे। When we reach the higher standard of purification, if we see the smiling face of the Lord or hear the rasa dance pastimes of the Lord, then we can relish activities. इस तरह से व्यक्ति जब धीरे धीरे शुद्ध बनता है तब जाके भगवान का दसवां स्कंद रासलीला जब पढ़ता है तब सही में वो जो आध्यात्मिक आनंद का अनुभूति कर सकता है। इन द श्रीमद् भागवतम देयरफोर द रास डांस पास टाइम्स आर डिलिमिटेड इन द 10th कैंटो चैप्टर्स 29-34। इसलिए भागवतम में जो रासलीला है दसवें स्कंद में आता है और ये पांच अध्याय में 29-34। The more one concentrates on the transcendental form of the Lord, either on the lotus feet, the calves, the thighs or the chest, the more one becomes purified. इस तरह से व्यक्ति जब भगवान के रूप पे ध्यान करता है, भगवान का चरण कमल, भगवान का जो जांगा है, भगवान का जो छाती है, अलग अलग अंग में जब ध्यान करता है, वो शुद्ध बनता है। In this verse it is clearly stated, the more the intelligence becomes purified. तो यहां पे वर्णन आता है परम परम शुद्ध्यति धीर यता यता। तो इस तरह से धीरे धीरे भगवान के अलग अलग अंग पे ध्यान करने से बुद्धि जो है धीरे धीरे शुद्ध बनती है। विच मीन्स द मोर वन बिकम्स डिटैच्ड फ्रॉम सेंस ग्रेटिफिकेशन। इसका मतलब है जितना भगवान के रूप पे ध्यान करेंगे उतना बुद्धि शुद्ध बनेगा और बुद्धि शुद्ध बनने का मतलब है उतना हम भौतिक इंद्र तृप्ति से विरक्ति पाएंगे। Our intelligence in the present condition state of life is impure due to being engaged in sense gratification. तो भौतिक अवस्था में हमारी बुद्धि पे भी हम विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि हमारा बुद्धि भी काम वासना से भरा है।
तो इसलिए जब शास्त्र वर्णन करते हैं कि मन को मन पे विजय प्राप्त करने के लिए, मन और इंद्रिय पे विजय प्राप्त करने के लिए बुद्धि का आश्रय लेना चाहिए, वो भौतिक बुद्धि नहीं है, शास्त्रों के बुद्धि का आश्रय लेना है। क्योंकि हमारे बुद्धि का हम आश्रय लेंगे तो हम सही क्या है गलत क्या है हम समझ नहीं पाएंगे। कल ही हम किसी से चर्चा कर रहे थे तो चर्चा में ये विषय आ रहा था, हिटलर जो है उसने इतने सारे लोगों को मार डाला, लाखों अरबों लोगों को मार दिया, पर सबसे आश्चर्य बात क्या है, हिटलर वेजिटेरियन था, खुद शाकाहारी था, वेजिटेरियन था, पर इतने सारे लोगों को मार दिया। क्यों? क्योंकि उसने अपने बुद्धि का प्रयास किया। धर्म क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, हम हमारे बुद्धि से प्रयास करेंगे हम धोखा पाएंगे, क्योंकि हमारा बुद्धि भी दूषित है। इसलिए गुरु का आश्रय, शास्त्रों का आश्रय लेना इम्पॉर्टेंट है और वहाँ से बुद्धि स्वीकार करना है। मुझे ज़िंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना है शास्त्रों के बुद्धि के अनुसार चलना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इन द प्रेजेंट कंडीशन स्टेट आर इंटेलिजेंस इज ऑल्सो इम्प्योर, हमारे भौतिक अवस्था में, बद्ध अवस्था में हमारा बुद्धि भी दूषित है। द रिजल्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन द ट्रांसेंडेंटल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड विल बी मैनिफेस्टेड बाई वंस डिटैचमेंट फ्रॉम सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो अगर कोई ध्यान कर रहा है भगवान के रूप पे, उसका रिजल्ट क्या है, उसका रिजल्ट है वो इंद्र तृप्ति से विरक्ति पाएगा। उसका मतलब है वो उसका ध्यान सफल है। Therefore, the ultimate purpose of meditation is purification of one's intelligence. बहुत लोग ध्यान करते हैं, कलयुग में अलग अलग तरह का ध्यान होता है, पर ध्यान का लक्ष्य क्या है, हमारे हृदय को, हमारे मन को और बुद्धि को शुद्ध बनाना, वो ध्यान का विषय है। ध्यान करके इंद्रिय भोग करना सही नहीं है। योग का पालन करते हैं, पर योग का पालन करते हुए व्यक्ति जो है इंद्रिय भोग करता है, तो ये दोनों साथ में नहीं चलता। Those who are too engrossed in sense gratification cannot be allowed to participate in archana or touch the transcendental form of the Radha, Krishna or Vishnu deities. इसलिए जो लोग इंद्रिय भोग कर रहे हैं उनको भगवान के विग्रहों को छूने का अधिकार नहीं है। कौन छू सकता है भगवान के विग्रहों को? जो इंद्र तृप्ति से दूर है। इंद्र तृप्ति करते हुए भगवान के विग्रहों को छूना एक अपराध है। फॉर देम इट इज बेटर टू मेडिटेट अपॉन द जाइगेंटिक विराट रूप ऑफ द लॉर्ड एज रिकमेंडेड इन द नेक्स्ट वर्स। इसलिए सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, दो तरह के ध्यान बता रहे हैं, एक जो भगवान के अर्च विग्रह या भगवान के जो आध्यात्मिक रूप पे ध्यान करना, और दूसरे जो भगवान का विराट रूप या यूनिवर्सल फॉर्म पे ध्यान करना। इसलिए जिनका हृदय अब तक शुद्ध नहीं हुआ पूरे तरह से, सुखदेव गोस्वामी रिकमेंड कर रहे हैं उनको विराट रूप या विश्व रूप पे ध्यान कर सकते हैं। द इम्पर्सनलिस एंड द वॉइडस आर देयरफॉर रिकमेंडेड टू मेडिटेट अपॉन द यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, whereas the devotees are recommended to meditate on the deity worship in the temple. इसलिए जो मायावादी है, जो भगवान के निर्विशेष निराकार का पूजा करते हैं, उनके लिए सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि आप विराट रूप या विश्व रूप की पूजा करो। जो विश्व रूप भगवान ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिखाया था उसकी आप पूजा करो, उस पर आप ध्यान करो, पर जो भक्त हैं वो भगवान के मंदिर में अर्च विग्रहों का दर्शन और पूजा कर सकते हैं। Because the impersonalists and the voids are not sufficiently purified in their spiritual activities, archana is not meant for them. इसलिए जो मायावादी है उनके लिए अर्चना मार्ग सही नहीं है। तो बहुत सारे लोग हैं जो मंदिर में विग्रहों की भी पूजा करते हैं, पर उनका लक्ष्य रहता है मैं विग्रहों की पूजा करूंगा पर अंत में मैं ये विग्रह बन जाऊंगा, मैं भी भगवान बन जाऊंगा, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। तो हम टेक्स्ट 14 पढ़ेंगे, अगला श्लोक। यावन्न जायेत परावरेस्मिन्
विश्वेश्वरे द्रस्तरी भक्ति योग तावत्स्तैव पुरुषस्य रूपम् क्रियावसाने प्रयत स्मरेत। ट्रांसलेशन, अनलेस द क्रॉस मटेरियलिस डेवलप्स अ सेंस ऑफ लविंग सर्विस अनटू द सुप्रीम लॉर्ड द सीयर ऑफ बोथ द ट्रांसेंडेंटल एंड मटेरियल वर्ल्ड्स ही शुड रिमेंबर और मेडिटेट अपॉन द यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड एट द एंड ऑफ हिज प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि जो भौतिक लोग हैं जिनके अंदर भगवान का भक्तिमयी सेवा अब तक वो इच्छा तीव्र नहीं हुआ है, अभी भी भौतिक वृत्ति बहुत है, इन लोगों को सुखदेव गोस्वामी का सुझाव है कि भगवान के विराट रूप विश्व रूप पे ध्यान करो। परपुट, द सुप्रीम लॉर्ड इज द सीयर ऑफ ऑल वर्ल्ड्स बोथ मटीरियल एंड ट्रांसेंडेंटल। तो भगवान ये भौतिक दुनिया के और आध्यात्मिक दुनिया के दोनों के स्वामी हैं। इन अदर वर्ड्स द सुप्रीम लॉर्ड इज द अल्टीमेट बेनिफिशियरी एंड एंजॉयर ऑफ ऑल वर्ल्ड्स एज कन्फर्म्ड इन भगवद्गीता 5.29। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रच्छति। तो भगवान गीता के पांचवें अध्याय में बोलते हैं, ये अंतिम श्लोक है पांचवा अध्याय का, तो भगवान बताते हैं कि वो वही ये पूरे दुनिया के स्वामी हैं, भोक्ता हैं और पूरे दुनिया के मालिक प्रोपराइटर वही हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम इज द सुप्रीम प्रोपराइटर एंड एंजॉयर। द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज इंटरनल पोटेंसी एंड द मटीरियल वर्ल्ड इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज एक्सटर्नल पोटेंसी। तो आध्यात्मिक जो जगत है भगवान का अंदरूनी शक्ति या योग माया शक्ति का प्रभाव है और ये जो भौतिक दुनिया है भगवान का ही शक्ति है पर भगवान का एक्सटर्नल एनर्जी बहिरंग शक्ति का मैनिफेस्टेशन है। तो दोनों भगवान की ही शक्तियां हैं। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, एक इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन वही इलेक्ट्रिसिटी को हीटर में कन्वर्ट कर सकता है और वही इलेक्ट्रिसिटी को फ्रिज के रूप में ठंडा भी बना सकता है। वही एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी वही है पर अलग अलग उसका मैनिफेस्टेशन है। वैसे ही भगवान की शक्ति है पर भगवान एक शक्ति से आध्यात्मिक जगत बनाते हैं और दूसरे शक्ति से भौतिक जगत बनाते हैं। द लिविंग एंटिटीज आर ऑल्सो इज मार्जिनल पोटेंसी एंड बाई देयर ओन चॉइस दे कैन लिव इन ईदर द ट्रांसेंडेंटल और मटीरियल वर्ल्ड्स। और हम सब जो जीव हैं, आत्मा है, हम भी भगवान के शक्ति है। ममई वामशो जीवलोके जीवभूत सनातन, तो हम भी भगवान की ही शक्ति है, इसको तटस्थ शक्ति बोलते हैं। तो यहाँ हमने देखा तीन शक्तियाँ हैं, बहिरंग शक्ति एक्सटर्नल एनर्जी जो माया है, अंतरंग शक्ति इंटरनल एनर्जी जो राधा रानी है या योग माया है, और जो तटस्थ शक्ति मिडल बीच में जो है हम सब जीव। तो जीव का स्वरूप क्या है, वो माया के अधीन हो सकता है या भगवान के अधीन हो सकता है, आध्यात्मिक शक्ति के अधीन हो सकता है या भौतिक शक्ति के अधीन हो सकता है, ये हमारा चॉइस है। तो जीव का मतलब है चुनाव। तो बोला जाता है जिंदगी क्या है, लाइफ का अलग अलग डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन है लाइफ का, लाइफ एक सेगमेंट है, बीडी सेगमेंट, बीडी शुरू होता है बर्थ से, एंड होता है डेथ, स्टार्ट्स विद बर्थ एंड्स विद डेथ। और एक सेगमेंट में अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, बी और डी के बीच में कौन सा लेटर आता है, सी, राइट। तो हम सबकी जिंदगी में बर्थ फिक्स्ड है और डेथ फिक्स्ड है, चेंज नहीं कर सकते, वो सेगमेंट को छोटा बड़ा नहीं कर सकते, फिक्स्ड है। पर ये सेगमेंट में अलग अलग पॉइंट्स आते हैं, तो ये सब पॉइंट्स क्या हैं, लेटर सी है, और सी का मतलब है चॉइस, चुनाव। हमारा हर एक क्षण पे हम चुनाव कर सकते हैं, क्या चुनाव, हमको भगवान के आध्यात्मिक शक्ति के अधीन रहना है या भगवान के भौतिक शक्ति के अधीन रहना है, ये हमारा चुनाव है,
मोमेंट टू मोमेंट चॉइस. द मटीरियल वर्ल्ड इज नॉट अ फिट प्लेस फॉर द लिविंग एंटिटीज बिकॉज दे आर स्पिरिचुअली वन विद द लॉर्ड एंड द मटीरियल वर्ल्ड एंड द मटीरियल वर्ल्ड द लिविंग एंटिटीज बिकम कंडीशन बाई द लॉज ऑफ द मटीरियल वर्ल्ड. तो ये जो भौतिक दुनिया है आत्मा के लिए सही जगह नहीं है. तो शिला प्रभुपाद बहुत बार बोलते थे दिस मटीरियल वर्ल्ड इज नॉट अ प्लेस फॉर जेंटलमैन. सभ्य जीव के लिए यह भौतिक दुनिया नहीं है. दिस मटीरियल वर्ल्ड इज अ प्लेस फॉर मेंटल मैन. जो लोग पागल हैं ये दुनिया में वापस आना चाहते हैं उनके लिए यह भौतिक दुनिया है. तो वो जो श्लोक में कोट कर रहा था गीता का, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनस्तस्तानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्तानि स्कर्षति. तो भगवान बोलते हैं हम सब भगवान के अंश हैं. ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, हम सब भगवान के अंश हैं और भगवान के सनातन धाम में होने चाहिए. पर हम सब ये भौतिक दुनिया में क्या कर रहे हैं, मनस्तस्तानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्तानि स्कर्षति. हम सब संघर्ष कर रहे हैं इन हमारे इंद्रियों और मन के वजह से संघर्ष कर रहे हैं. तो इसलिए ये दुनिया में रहना हमको सुख भी नहीं मिलेगा, हमको शांति भी नहीं मिलेगा, सिर्फ दुख ही दुख मिलेगा ये दुनिया में. इसलिए हमको सही में सुख पाना है तो हमको भगवान के धाम जाना है, भगवान के आध्यात्मिक जगत. द लॉर्ड वॉन्ट्स ऑल लिविंग एंटिटीज हु आर हिज पार्ट्स एंड पार्सल्स टू लिव विद हिम इन द ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड and for enlightening conditioned souls in the material world, all the Vedas and the revealed scriptures are there expressly to recall the conditioned souls back home, back to Godhead. तो भगवान का इच्छा है कि हम सब वापस उनके पास आए. जैसे एक पिता होते हैं, जब बच्चा उसे दूर जाता है झगड़ा करके, तो पिता हमेशा प्रार्थना कर रहा है कि कब मेरा बच्चा मेरे पास वापस आएगा. तो ये भौतिक दुनिया के जो पिता हैं उनका दिल इतना बड़ा है, तो भगवान का दिल कितना बड़ा है. तो भगवान का एक ही इच्छा है कि हम सब भगवान के धाम जाएं और वहाँ पे भगवान के लीलाओं में भाग लें. और इसके लिए भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं, अलग अलग शास्त्र देते हैं, गीता, भागवत, वेद. तो ये सब शास्त्रों का निचोड़ एक ही है. निचोड़ क्या है, ये दुनिया को छोड़ो और भगवत धाम वापस आ जाओ, भगवान के साथ रिश्ता जोड़ना है. तो सिर्फ इसके लिए सब शास्त्र हैं. अनफॉर्चुनेटली द कंडीशन लिविंग एंटिटीज ऑल्दो सफरिंग कंटिन्यूअली द 3-4 मिजरीज ऑफ कंडीशन लाइफ आर नॉट वेरी सीरियस अबाउट गोइंग बैक टू गॉड. पर हमारा दुर्भाग्य है कि भगवान इतना अवसर दे रहे हैं हमको वापस लेके जाने के लिए, फिर भी हम हमारा बुद्धि आता नहीं है. इतना कष्ट हम भोगते हैं ये दुनिया में, फिर भी भगवत नाम जाने के लिए तीव्र नहीं बनते, सीरियस कोई बनता नहीं है. कितना भी आने दो, COVID-19 आने दो, COVID-20 आने दो, हजारों वायरस आने दो, लोग रोएंगे थोड़ा पर कोई भक्ति नहीं करेगा, बुद्धि आता नहीं है. तो वापस ऐसे लोगों को जन्म लेना पड़ता है बार बार. तो इसलिए जब हम पूरे दुनिया पढ़ते हैं और देखते हैं कि दुनिया में इतने ही सारे कष्ट हैं, हमको प्रेरणा मिलना चाहिए कि मुझे जाना है भगवत धाम और मुझे बाकी लोगों को भी लेके जाना है. इट इज़ ड्यू टू देयर मिसगाइडेड वे ऑफ लिविंग कॉम्प्लिकेटेड बाय सिंस एंड वर्चूस. तो क्योंकि लोग इतने पागल हैं ये दुनिया को भोग करने का, इतने पाप करते हैं, इसलिए उनको ये दुनिया का सत्य दिखता नहीं है. सब जगह देख रहे हैं कि दुख है, फिर भी उनको लगता है आशा है. जैसे शंकराचार्य बोलते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहितम जातम कुंडम वृद्धो याचे गृहीत्वा दंडम तदपि न मुच्छति आशा पिंडम. तो शंकराचार्य बोलते हैं आशा कितना महान है. अंगम गलितम पलितम मुंडम, व्यक्ति बूढ़ा होके उसका अंग गल जाता है, पलितम मुंडम उसके सर के बाल चले जाते हैं, शेविंग करने से नहीं अपने आप चले जाते हैं. अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहितम जातम तुंडम, सब दांत गिर जाते हैं. वृद्धो याचे गृहत्वा दंडम, और इतना उसका कमर झुक जाता है, डंडा लेके चलता है, फिर भी उसको भोग करने का इच्छा जाता नहीं. तदपि न मुच्यति आशा पिंडम, आशा कभी मिटता नहीं है.
ये दुनिया में भोग करने का आशा बढ़ते जाता है। इसलिए हमारे दुर्भाग्य है, नाम नाम कारी बहुधा निज सद्व शक्तिस तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न कालह। तो चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षाष्टक में बोलते हैं कि भगवान आपने आपके नामों में इतना शक्ति डाला है और ये नाम कोई भी कभी भी उच्चारण कर सकता है, फिर भी मेरा दुर्दैव है कि मैं ये नामों का उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। भगवान शास्त्र के रूप में आए हैं, गीता है, भागवत है, हरिनाम है, विग्रह है, ये सब होते हुए भी हम इसका फायदा नहीं ले रहे। दिस इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट कंडीशन। द रियल पर्पस ऑफ लाइफ, सम ऑफ देम हु आर वर्चुअस बाय डीड्स बिगिन टू री एस्टैब्लिश देयर लॉस्ट रिलेशन विद लॉर्ड बट दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द पर्सनल फीचर ऑफ द लॉर्ड। तो ये भी और एक दुर्भाग्य है कि लोग, थोड़े लोग तो मैक्सिमम लोग, ये भौतिक दुनिया के इंद्र तृप्ति में इतने लगे हैं, ये भौतिक दुनिया का जो चकनाचौन है, आकर्षण है, इतने इतना फंस गए हैं, आध्यात्मिक मार्ग स्वीकार ही नहीं करते। और उसमें से थोड़े लोग जो आध्यात्मिक मार्ग में आते हैं वो भी गलत मार्ग में चले जाते हैं, इम्पर्सनल, निर्विशेष, निराकार रूप में चले जाते हैं और जो परम सत्य है, भगवान का रूप है, वो समझ नहीं पाते। तो कलयुग मतलब दुर्भाग्य। भौतिक रूप से हर एक की जिंदगी दुर्भाग्य है और कोई आध्यात्मिक मार्ग में भी आता है वहां पे भी दुर्भाग्य बनता है, गलत गुरु के पास चला जाता है। द रियल पर्पस ऑफ लाइफ इज टू मेक कॉन्टैक्ट विद द लॉर्ड एंड बी एंगेज इन सर्विस। तो जिंदगी का लक्ष्य क्या है? जिंदगी का लक्ष्य है भगवान के साथ हमारा संपर्क जो है जोड़ना, वो योग जो हमने, भगवान का जो कनेक्शन है छूट गया है, वो कनेक्शन पुनर्स्थापित करना जिंदगी का एक ही लक्ष्य है, और भगवान के सेवा में लगना, दैट इज द ओनली पर्पस, दैट इज द नेचुरल पोजिशन ऑफ द लिविंग एंटिटीज। तो ये हम सब का ओरिजिनल स्वरूप है, जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, हम सबका स्वरूप है, हम भगवान के दास हैं। बट दोज हु आर इम्पर्सनलेस एंड आर अनेबल टू रेंडर एनी लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड हैव बीन एडवाइज टू मेडिटेट ऑन हिज इम्पर्सनल फीचर द विराट रूप और द यूनिवर्सल फॉर्म। पर जो मायावादी है, निर्विशेषवादी है, जिनको भगवान के रूप के प्रति आकर्षण नहीं है, भगवान का भक्ति में ही सेवा नहीं करते, उनके लिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे सुझाव दे रहे हैं, ऐसे लोगों को भगवान का विराट रूप या विश्व रूप पे ध्यान करना है। सम वे और दी अदर वन मस्ट ट्राई टू री एस्टैब्लिश वंस फॉरगॉटन रिलेशन विद द लॉर्ड इफ वन एट ऑल डिजायर्स टू गेन रियल हैप्पीनेस इन लाइफ एंड टू रिक्लेम इज नेचुरल अनफिटर्ड कंडीशन। तो जिंदगी का लक्ष्य है किसी ना किसी तरह हमको भगवान का भक्ति, भगवान का जो संबंध है वो वापस स्थापना करना है। सम वे और दी अदर येन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयेत, संवे और दी अदर, इस तरफ से नहीं तो उस तरफ से, कैसे तो मन को भगवान के चरण कमल पे केंद्र करना है, कहीं ते से शुरू करना है हमारे भक्ति। एक बार एक व्यक्ति गया था एक भिक्षुक साधु किसी के घर में भिक्षा मांगने के लिए। हाँ, तो गया तो ये जो स्त्री थी घर में उसको देने का बिल्कुल आदत नहीं था, बिल्कुल आदत नहीं था, जब भी जाता उसको कुछ नहीं मिलता था। तो बार बार ये जाता रहा, तो एक दिन ये जो स्त्री है घर में उसको इतना गुस्सा आया, घर का जो राख है, कोयला जो है, ऐश, वो लेके आके उसके बर्तन में डाल दिया, लेके जा। तो ये आदमी खुश हो गया, क्यों? क्योंकि उसने बोला अभी इस ये स्त्री का देने का आदत शुरू हुआ है, हालांकि उसने राख दिया है, ऐश दिया है, तो आज उसने ऐश दिया है, कल कैश भी देगी, पर देने का तो आदत शुरू हुआ है। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे बता रहे हैं किसी ना किसी तरह हर एक व्यक्ति को भगवान के साथ जुड़ना है, सम वे ऑर दी अदर। फॉर द लेस इंटेलिजेंट बिगिनर्स मेडिटेशन ऑन द इम्पर्सनल फीचर द विराट रूप और द यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड विल ग्रेजुअली क्वालिफाई वन टू राइज टू द पर्सनल कॉन्टैक्ट।
तो जो कम बुद्धिमान लोग हैं, जो नौसिखिया आध्यात्मिक मार्ग में है, उनके लिए भगवान का विराट रूप या विश्व रूप पे ध्यान कर सकते हैं। वन इज एडवाइज्ड हियर विथ टू मेडिटेट अपॉन द विराट रूप स्पेसिफाइड इन द प्रीवियस चैप्टर्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ द डिफरेंट प्लैनेट्स सीज माउंटेन्स रिवर्स बर्ड्स बीस ह्यूमन बींग्स डेमिगॉड्स एंड ऑल दैट वी कैन कंसीव ऑफ आर बट डिफरेंट पार्ट्स एंड लिम्ब्स ऑफ द विराट फॉर्म। तो पिछले अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने विराट रूप का विस्तार से वर्णन किया है, कैसे भगवान का जो विश्व रूप है, ये जो पहाड़ दिखते हैं वो भी भगवान के अंग हैं, ये जो नदियाँ दिखते हैं, पेड़ दिखते हैं, ये सब भगवान के अलग अलग अंग हैं। तो जब हम समुद्र के पास जाएंगे हमको लगेगा ये भी भगवान का एक अंग है, जब हम पहाड़ के नीचे बैठेंगे हम भगवान के कनेक्शन ढूंढेंगे। तो इस तरह से हर एक चीज़ में भगवान का कनेक्शन ढूंढना, तो ये विराट रूप का मेडिटेशन है। दिस सॉर्ट ऑफ थिंकिंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मेडिटेशन ऑन द एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड एज सून एज सच मेडिटेशन बिगिन्स वन डेवलप्स वन्स गॉडली क्वालिटीज एंड द होल वर्ल्ड अपीयर्स टू बी एन हैप्पी एंड पीसफुल रेजिडेंस फॉर ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। तो ये विराट रूप का भी ध्यान बहुत सुंदर है, क्योंकि इससे पता चलेगा ये दुनिया में भगवान का हाथ है, भगवान का कनेक्शन है। तो इस तरह से उसके अंदर दैवी गुण आते हैं और उसको समझ में आता है ये दुनिया में कैसे कुशलता और मंगलता से लेना है। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, अगर हम ये दृष्टिकोण रखेंगे कि पहाड़ जो है, जैसे सुखदेव गोस्वामी ने समझाया है, पहाड़ विश्व रूप के हड्डियाँ हैं, जो नदियाँ हैं विश्व रूप के वेन्स हैं, जैसे हमारा आर्टरी वेन्स होता है, वेन्स है, तो हम ये सब चीज़ों को प्रदूषित नहीं करेंगे क्योंकि हम भगवान का कनेक्शन देखेंगे। हम देखेंगे कि पेड़ भगवान के विराट रूप के शरीर के ऊपर बाल है, तो इसलिए हम पेड़ को काटेंगे नहीं। तो इससे क्या होगा, हम भी सुखशाली रहेंगे और समाज भी सुखशाली रहेगा। विदाउट सच मेडिटेशन ऑन गॉड ईदर पर्सनल और इम्पर्सनल ऑल गुड क्वालिटीज ऑफ द ह्यूमन बींग्स बिकम कवर्ड विद मिसकंसेप्शंस रिगार्डिंग हिज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन एंड विदाउट सच एडवांस नॉलेज द होल वर्ल्ड बिकम्स अ हेल फॉर द ह्यूमन बींग। तो इस तरह से हर एक व्यक्ति को ध्यान करना है भगवान के रूप में, आध्यात्मिक रूप के ऊपर या भगवान के भौतिक विश्व रूप के ऊपर। ऐसा ध्यान नहीं रहेगा तो समाज नास्तिक बनेगा और नास्तिक समाज सबके लिए नरकमयी बनेगा। अभी जो कोविड अवस्था है, ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि लोग भगवान से दूर हो गए। जितना हम भगवान को हमारी जिंदगी से दूर करेंगे उतना नरकीय अवस्था बनेगा, द होल वर्ल्ड विल बिकम अ हेल। तो आदिवासी जो है वो भी विराट रूप की पूजा करते हैं। आप आदिवासी समाज में जाएंगे, अनपढ़ है पर वो लोग चंद्र की, सूर्य की पूजा करते हैं, एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है उसकी पूजा करते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं। ये सब लोग प्रकृति का सम्मान करते हैं। प्रकृति को नाश कौन करता है, अनएजुकेटेड लोग नहीं, अनपढ़ लोग नहीं, पढ़े लिखे लोग प्रकृति का नाश करते हैं। इसलिए एक जमाने में एक किसी के टी शर्ट पे लिखा था, आई वॉज बॉर्न इंटेलिजेंट, मैं जन्म से बुद्धिमान था बट एजुकेशन स्पॉइल्ड मी, पर जब मैं स्कूल में गया मेरा बुद्धि का नाश हो गया। तो कहने का मतलब है सही एजुकेशन क्या है, प्रकृति का सम्मान करना और भगवान के साथ कनेक्शन देखना। तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी समझा रहे हैं जो भगवान के रूप पे ध्यान नहीं कर सकते भगवान के विराट रूप पे ध्यान कर सकते हैं। तो हम टेक्स्ट 15 कल सुबह देखेंगे। हरे कृष्णा।